पांच राज्यों में चुनाव सामने हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भी जल्दी करवाए जा सकते हैं। ऐसी सुख बुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे सियासी माहौल में जनता का ख्याल आना स्वाभाविक है और प्रासंगिक भी। लाभार्थी पॉलिटिक्स का पहला तीर आज छोड़ा गया। गैस सिलेंडर के दामों में घटा दिया गया, उसकी शुरुआत की गई है इस तीर की कि सिलेंडर के दाम कम हो गए। रसोई गैस नरेंद्र मोदी के दूसरी बार सरकार बनाने की एक बड़ी वजह बताया गया था। चुनाव के बाद उसके दाम फिर बढ़ते चले गए। अब 1100 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 900 रुपए का मिलेगा और उज्ज्वला स्कीम के तहत 900 रुपए का मिलने वाला 700 में। मंत्री जी ऐलान करने खुद सामने आए, 75 लाख महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देने का वादा भी कर गए। जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है वो भी जारी रहेगी, और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ, और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। ये राखी और ओनम के अवसर पर भाई नरेंद्र मोदी जी का बहनों को एक बड़े सौगात तोहफा है। गरीबों के कल्याण के लिए कोई भी योजना हो उसका स्वागत होना चाहिए। उज्ज्वला भी केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। करोड़ों माताओं और बहनों को चूल्हे के धुएं से बचाने का प्रण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। मकसद ये कि किसी तरह परिवार की महिलाएं जहरीले धुएं की चपेट में ना आएं और सस्ते सिलेंडर मुफ्त कनेक्शन के जरिए जिंदगी की गाड़ी आराम से चलाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर्स को गरीब परिवार अफोर्ड कर पा रहे हैं? कितने गरीब परिवार 900 और 700 रुपए वाले सिलेंडर लेने में सक्षम हैं? क्या वाकई 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा है? जवाब जानने के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई इन तस्वीरों को देखिए। सोमवार को महिलाएं खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के सामने जा धमकी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर कहा था, सावन के महीने में बहनों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा। बस फिर क्या था, सीएम की बातों पर भरोसा करके महिलाएं आई खाली सिलेंडर सस्ते दाम में रिफिल करवाने। लेकिन दाम कम नहीं थे, सिलेंडर 1185 रुपए का ही था तो उखड़ गई और बोला था कि राखी बनाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं एजेंसी, गैस एजेंसी पे आए। गैस एजेंसी पे बोला गया कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ, 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 450 रुपए की घोषणा की गई है, उस आदेश पर अभी तक हमारे के लिए कोई दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण अभी हम 450 में सिलेंडर देने में असमर्थ हैं। अब असली मुद्दे पर आते हैं। उज्ज्वला योजना वाले कितने परिवार हैं जिन्होंने गैस सिलेंडर को अभी तक जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है? क्या पुरानी सब्सिडी खत्म होने से योजना को झटका लगा? क्या सिलेंडर की जगह रसोई में वापस लकड़ियां लौट आई? पड़ताल हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों से की। क्या फायदा हुई, 1000 रुपये में तो मिली तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब 300 के गैस को 1200 रुपये में बेचवा रहे, 1200 करने के बाद 200 कम किया तो क्या काम किया है? हाँ, पांच राज्य में चुनाव है, बोल से चुनाव खत्म हुई था फिर मतलब बढ़ा दी गैस पेट्रोल टंकी ये सबको बढ़ा देगा। 200 रुपये तो कोई आम बात हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से मध्यम वर्ग के लोगों ने कम से कम 500 रुपए की टंकी होना चाहिए। चुनाव आने पे तो हो ही जाती है सस्ती, और सस्ती मिलेगी तो हमें भी फायदा होगा। फायदा होगा तो देगी जनता तो वोट। चुनाव के चक्कर में हो रहा है ना सब, ये तो हमको भी पता, चुनाव की वजह से कर रहे हैं मोदी जी, पर देश के लिए कुछ कर तो रहे हैं। सरकार कोई भी हो आंकड़ों का हिसाब किताब जानती है। कहने को करोड़ों महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिला, काफी हद तक ये सही भी है। शुरुआत में उज्ज्वला कई परिवारों के लिए वरदान साबित हुई, लेकिन जैसे जैसे सिलेंडर से सब्सिडी गायब होती गई
दाम बढ़ते रहे, वैसे वैसे मुश्किलें भी। इस वजह से कई परिवार सिलेंडर की बजाय चूल्हे पर लौट आए। लाख टके का सवाल सब्सिडी की टाइमिंग भी है। अगर चुनाव ना होता तो क्या सरकार सब्सिडी वाली राहत देती? जवाब का जिम्मा हम आप पर छोड़ते हैं। नेता डाल डाल तो पब्लिक पात पात, वो भी सब जानते हैं जो नेता कर रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।